ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट की आज की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कहा अभी कोई आदेश ना दें। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी के मसले पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, कल ही सुनाया जा सकता है फैसला। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है हिंदू सेना को भी पक्षकार बनने की इजाजत, कल हिंदू सेना भी पेश करेगी दलीलें। हिंदू सेना की याचिका में मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करने की मांग, कहा वर्कशिप एक्ट 1991 के दायरे में नहीं है ज्ञानवापी मस्जिद। वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल की गई ज्ञानवापी सर्वे की 70 पन्ने की रिपोर्ट, हिंदू धर्म के प्रतीकों के मिलने का दावा। कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा 3 दिन की कड़ी मेहनत से किया गया है सर्वे, रिपोर्ट पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। ज्ञानवापी सर्वे की पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, दीवार के पास देवी देवताओं की आकृति का दावा किया गया है। रिपोर्ट में पश्चिमी दीवार के पास हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष मिलने का दावा, मंदिर का मलबा भी मिलने की बात कही गई। अजय मिश्रा ने 6 से 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट पेश की है, लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए थे। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप बोले अजय मिश्रा की रिपोर्ट पर भी गौर करेगा कोर्ट, ज्ञानवापी परिसर के बाहरी क्षेत्र की रिपोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी ने TV9 भारतवर्ष से कहा जब तक 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बदला जाएगा, ज्ञानवापी को का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा बयान, कहा हम कोर्ट से और वक्त मांगेंगे, कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी का बड़ा बयान, TV9 भारतवर्ष से बोले औरंगजेब ने बनवाया था मस्जिद का मौजूदा ढांचा। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले सदस्य मोहम्मद यासीन का बयान, कोर्ट के जरिए ही मामले का समाधान। RSS अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर का बड़ा बयान, कहा ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरीके से सामने लाने का वक्त आ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बोले ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, शिवलिंग निकलने की बात को झूठा बताया। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का नया वीडियो सामने आया है, वीडियो में दिखे नंदी, TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता। ज्ञानवापी विवाद पर जमीयत उलेमाए हिंद की मुसलमानों से अपील, ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर सड़क पर ना आए, सार्वजनिक प्रदर्शन से बचें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की मस्जिदों को लेकर बनाई लीगल कमेटी, पूर्व जज जस्टिस SS कादरी करेंगे अध्यक्षता। ज्ञानवापी मामले पर खुलकर सामने आए अखिलेश, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बोले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाने के लिए ज्ञानवापी पर विवाद उठाया गया। ज्ञानवापी विवाद पर मायावती ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी जानबूझकर धार्मिक स्थलों को बना रही निशाना, महंगाई बेरोजगारी से भटकाने की साजिश। कंगना रनौत ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, साथ में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता और आने वाली फिल्म धाकड़ की टीम भी मौजूद रही। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा आरती में भी हुई शामिल कंगना, बोली काशी के कड़कड़ में शिव, हर हर महादेव। शिवलिंग पर विवादास्पद बयान देकर बुरा फंसा ओवैसी की पार्टी का नेता, अहमदाबाद में AIMIM लीडर दानिश कुरैशी गिरफ्तार किए गए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब यूपी में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, कहा धार्मिक इमारतों पर दोबारा नहीं लगने चाहिए लाउडस्पीकर।